हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं यहाँ किचन में काम फिनिश करने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे अपनी सासू माँ के सामने उनकी पीआरपी थर्ड थेरेपी को लगवाने के लिए जाना है। उनका थर्ड डोज आज लगेगा, थर्ड एंड फाइनल डोज वही है। तो देखते हैं उसके बाद में उनका किस तरीके से, मतलब उनको बेटर रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है। तो उसके लिए पहले मैं अपने काम को सारा फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं सासू माँ को वो थेरेपी के लिए लेके जाऊँगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ग्रुप ए के तौर पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। ये तो पहले ही बना लिया था। कमांडर के पद पर भर्ती करेगा, कुछ 50 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। इनमें से जर्नल ड्यूटी के लिए 20 पद, कमर्शियल पायलट के लिए 10 पद, टेक्निकल इंजीनियर के लिए 6 पद और सारा काम कंप्लीट करने के बाद में हम लोग अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास में पीआरपी थेरेपी को करवाने के लिए। तो आज हमारी लास्ट थेरेपी है, उसके बाद में देखते हैं कि हमारा मतलब जो ट्रीटमेंट चला था उसमें कितना फ़ायदा हुआ है मम्मी को। तो चलो चलते हैं। गए हम लोग वेदांता हो। अब हम जा रहे हैं वापस, मम्मी को इंजेक्शन लग गए हैं। आज हमें ऑटो से ही जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि आज ऋषभ लेने नहीं आए हैं। गाइस, हम लोग अपने घर आ चुके हैं। मेरी सासू माँ की लास्ट थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है। जो हम लोग पीआरपी थेरेपी का ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था मेरी सासू माँ का, वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं उसके बाद में उन्हें रिजल्ट मिलता भी है कि नहीं मिलता, उन्हें कितना फ़ायदा होता है उससे या फ़ायदा नहीं होता। अब वो डॉक्टर ने हमें 21 डेज़ के बाद में बुलाया है उन्हें, तो वो काफ़ी उनको पेन हो रहा है।
तो गाइज थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।